देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे, मैं जावेद अंसारी समीम सौदागर के साथ। हम मौजूद हैं रीवा की प्राचीनतम, जी हाँ, आज से लगभग 45 साल पहले बनाई गई एक ऐसी नर्सरी में जहां अमरूद के 42 से ज्यादा प्रजातियां मौजूद हैं। मैं आपको बताऊं, इस समय रीवा का एग्रीकल्चर कॉलेज इसकी देखभाल करता है। यहाँ पर मेरे ठीक पीछे एक पेड़ आप देख रहे होंगे। हमारे साथ इस पेड़ के बारे में और भी पेड़ों के बारे में बताने के लिए जलेश जी मौजूद हैं। हम जलेश जी से ही जानेंगे। जलेश जी, जो पेड़ को मैंने पकड़ रखा, इसका क्या नाम है? इसको ब्लैक जाम कहते हैं। ये जामुन जैसा अमरूद होता है और इस अमरूद की खासियत यह है कि शुगर वालों के लिए फायदा है इसमें। और ये पूरा पेड़, पत्ता, फल सब एकदम ब्लैक, काले टाइप के रहेंगे। और ये चाइनीज है, ये वाली छोटे छोटे होते हैं। चाइनीज की क्या खासियत? चाइनीज ये चीन के अमरूद है, फली वाली नहीं है ये, लेकिन है वैरायटी है एक। और ये सुर्खी है, ये सफ़ेद नहीं होती बल्कि लाल कलर की अमरूद है ये। और इस अमरूद में विशेषता यह है कि फलन इसमें रहता है, लेकिन इस साल नहीं फरी है। और ये छिवला के डिजाइन की पत्ती है, और छिवला के डिजाइन के पत्ती के साथ साथ इसमें भी फल लगते हैं, लेकिन खट्टे होते हैं। और इसके बाद ये है आपका जैसे तेंदू पत्ता जैसे अमरूद, ये सामने वाला जी तेंदू पत्ता जैसे अमरूद है ये बिल्कुल पूरा। फल तो बहुत छोटे होते हैं, लेकिन फल होते हैं, पत्ते बिल्कुल तेंदू जैसे होते हैं। और इसको छिवला जैसे पूरा बोलते हैं। और रीवा में करीब करीब जैसे 72, रीवा 72 के नाम से भी अमरूद है। और एक ये आपका है सफ़ेदा। तो आपने बहुत सारे देखे होंगे जलेश जी, निश्चित रूप से 42 से ज़्यादा प्रजातियाँ। इसका मतलब है कि हिंदुस्तान की वो सारी मशहूर वेराइटियाँ इस वन यहाँ पर अनुसंधान केंद्र में मौजूद हैं। देखिए, मैं आपको दिखाऊँ एक ऐसे पेड़ पर लगा हुआ फल जिसको आपने शायद ही इसके पहले देखा। ध्यान से देखिए इसकी पत्तियां। उसके बाद ये छिवला का पेड़ है, छिवला प्रजाति छिवला जैसे है, लेकिन छिवला की क्या खासियत है, जरा छिवला के बारे में कुछ बताइए हमको। छिवला गर्मी में फूल देगा, और छिवला में इसमें रोग न लगेगा, ब्लड रोग जो लगता है इस पत्ते में न लगेगा। इस शोध करके बनाया हुआ है, तो फल तो रहा है, लेकिन इसमें जो तना छेदक इल्ली होती है उसमें पेड़ में नहीं लगती, सूखता नहीं। ये वन अनुसंधान केंद्र की जगह एग्रीकल्चर कॉलेज ने अपनी ही बगिया में अनुसंधान केंद्र बना डाला। अनुसंधान केंद्र भी ऐसा जिसमें वो पेड़ों पर अमरूद लगाने की कोशिश की गई जो आम तौर पर जंगलों में बेइंतहा पाए जाते हैं। इसका सीधा सा मतलब था कि अमरूद उस जगह पर भी पहुँचा देना जहाँ पर आम तौर से अमरूद के पौधे नहीं होते। जंगलों में छिवला और तेंदू ये आम तौर पर बहुत पाए जाते हैं। मेरे अगल बगल ये पौधे दोनों मौजूद हैं। आप दोनों में देख रहे होंगे फल भी इस समय मौजूद है। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि यहाँ के वैज्ञानिकों ने ऐसी प्रजाति का इजाद कर दिया है जो आम तौर पर पूरी दुनिया में नहीं पाई जाती। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अपने मेजबान जीशान जावेद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।